ऑटो वालों का भी ये प्रकोप देखिए कितनी भीड़ है ऑटो वालों की। लेकिन मैंने कहा चाहे जितनी भीड़ हो माता रानी की शक्ति हमारे साथ में है, तो हम सब लोग पैदल 20 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ एक से एक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से गाइस मैं एंट्री ले रहा हूँ, ये पीछे जो है ना यहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ का ऐसा व्यू है, ये देखो घोड़ा वोड़ा सब है, घोड़ा भी जाता है। गाइस ये है मेरे पीछे बाल गंगा, देखिए बहुत ठंडा पानी, बहुत इनको लग रहा है फ्रिज का पानी। ये देखिए ये बाल गंगा कितनी तेज धार है, इसको कहते हैं बाल गंगा। यहाँ का ये ऐसा नजारा, ये देखिए गाइस मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे को बढ़ रहा हूँ और ट्रॉली बार बार रुक जा रही है क्योंकि रोड भी बीच बीच में ख़राब है। लेकिन फिर भी मैं डर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मेरा उद्देश्य है माता रानी के प्रांगण तक पहुँचना। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, मेरा भांजा है ट्रॉली में बैठा हुआ है, इसको ले करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप लोग जो नए हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, घंटा जो बगल में उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरी आगे की भी अपडेट आती रहे। क्योंकि तो बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमें देखें तो वो इतना ही कर दें। लाइक करने में कौन तुम्हारा 10-20 हज़ार रुपया लग जाएगा, एक लाइक ही तो कर दोगे भाई। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। लव यू ऑल। और फिर मैं देखिए आगे बढ़ रहा हूँ, चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, मुझे माता रानी ही दिखाई दे रही, समझ लीजिए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग चल के थक चुके हैं और अब सब लोग बैठ गए हैं थक के। ये देखो हमारे साथ सब लोग थके हैं, समझ लो देखो कितनी चढ़ाई है। और कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर हम लोग चल आए हैं और उसके बाद फिर आगे का सफर करना है इन्हीं यात्रियों के साथ। लेकिन हार नहीं माने, देखो दीदी डंडा लिए इनका सहारा लेके पहुंचा हम। ठीक है मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस यहाँ से ऊंचाई कितनी दूर है, हम लोग मतलब कटरा में बिल्कुल पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। और ये जाल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ का नजारा, ये सब बस्तियां हैं यहाँ की। और ये यहाँ का ऐसा नजारा है, यहाँ पे डोसा वोसा भी मिलता है, आप लोग आ सकते हैं। और यहाँ से लास्ट मोड़ जाता है जो कटरा की ओर जाता है। तो हम इतनी मुश्किलों के बाद, यहाँ बारिश भी हुई बहुत सर्दी का मौसम है, पहुँच चुके थे। ये देखिए गाइस इतनी मेहनत के बाद समझ लो हमारा माता रानी का मंदिर आ गया। ये देखिए सारे श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, तो माता रानी का मंदिर मेरे जस्ट सामने है। देख रहे हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता। ये देखिए गाइस ये सामने हमारे ये पहाड़ों पे दुर्गा माता का मंदिर है। मैं आपको साफ साफ तस्वीर अपने मोबाइल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहाड़ है आगे, इतना खतरनाक पहाड़ है ये सामने, सफ़ेद बिल्डिंग है, यही माता रानी में विराजमान है। और हमको ये ट्रैक पूरा गया है, ऐसे चलना है। और ऊपर जो है ये जो बिल्डिंग है सफ़ेद सफ़ेद, ये भैरव बाबा का है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं जम्मू कश्मीर, ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, यही है माता रानी का गेरवों का।